close till I get up. Time is barely on our side. वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप से आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफी दिनों से आप लोग की कमेंट्स आ रही है कि आपने बहुत दिनों से मिनी जू के परिंदों का शौक नहीं कराया है, तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे अपने मिनी जू के सभी बर्ड्स के साथ। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने मिनी जू के अंदर। तो गाइस, मिनी जू की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। देखिए, सभी सामान इधर उधर फैला हुआ है, यहाँ पर देखिए और यहाँ भी सब में देखिए, कितना सारा सामान उधर भी रखा हुआ है। तो जल्दी में ही आज या कल में इसकी भी हम लोग सेटिंग करेंगे। जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, इस सबको एक जगह सेट करेंगे और फिर इसकी रेनोवेशन पे ध्यान देंगे। क्योंकि ना, अभी मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले बोला भी था कि मिनी जू को अब हमें आगे आगे डेकोरेट ही करना है, क्योंकि जब से हमारे कबूतर छत पे गए हैं काफी शांति हो गई है मिनी जू में। तो फैमिली, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो हमारा केज है, ये हमारी ऊपर वाली जो कॉलोनी है, ये है हमारी फिंच कॉलोनी और नीचे हमारे रहते हैं बजीज, यानी कि हमारी पूरी बजीज कॉलोनी है। ठीक है, तो फैमिली अभी तक हमने इसके अंदर अपनी सभी फिंचेस को रखा हुआ था, लेकिन अभी सभी फिंचेस को हमने यहाँ से कर दिया है रिलीज, जो कि अब हमारे मिनी जू में देखिए फ्री रह रही हैं। आप लोग देखिए, सभी एक साथ इकट्ठा बैठी हैं और कुछ फिंचेस अभी इसके अंदर भी हैं, जिनको भी मैं अभी मतलब बाहर निकाल दूंगी। खैर, अभी निकाल ही लेती हूँ। वैसे ये मैंने इसको खोल के रखा था ताकि ये निकल जाए, लेकिन अभी कुछ फिर भी अंदर रह रही हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करती हूँ बाहर निकालने की। तो गाइस, सभी बाकी की जो फिंचेस हैं वो भी देखिए निकल गई हैं और इनको भी सबको बाहर निकाल देती हूँ। तो गाइस, सभी देखिए अभी जो इसके अंदर फिंच थी वो बाहर निकल गई हैं और अभी एक दो जो रह गई हैं वो भी निकल ही जाएंगी, क्योंकि मैंने इसको खोल दिया है। तो गाइस, अब ना हमने इसके अंदर जो पहले नेस्ट लगाए थे, इन सबको हम यहाँ से हटाने वाले हैं और इसके अंदर हम लोग लगाएंगे छोटी छोटी मटकियाँ, और उसके बाद हम लोग जितनी भी हमारी जो बेंगोलिन फिंचेज हैं सभी को इसके अंदर शिफ्ट करेंगे और ये जो होगी हमारी आगे बेंगोलिन फिंचेज की कॉलोनी होगी। और गाइस, यहाँ पर देखिए नीचे रहते हैं हमारी सभी बजीज, और देखिए अभी देखिए सब बैठे हुए हैं यहाँ मटकियों के ऊपर। और जल्दी ना गाइस, हम ये जो हमारा नीचे के जो हमने इनके लिए ग्रास कारपेट लगाया हुआ है, इसको क्लीन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी इसमें इकट्ठी हो गई है और मैं इस सबको बाहर निकाल के अच्छे से क्लीन करके वॉश करके फिर इसमें लगाऊंगी। और बाकी की क्लीनिंग भी हम लोग करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि हमने जो अपने बजीज के लिए बॉक्सेस लगाए हैं और मटकियाँ लगाई हैं, उनके अंदर कितने एग्स हैं और कितने बेबीज हैं, वो सब भी हम लोग बाद में चेक करेंगे। तो पूरा दिन इनका शोर इसी तरह से लगा रहता है और पूरा दिन चीखी-चीखी करते रहते हैं। ये लगा लीजिएगा, नीचे तक दिन की आवाज़ बहुत जाती है। और यहाँ पर देखिए हमारे सभी लव बर्ड्स को, जो कि बहुत शानदार तरीके से रह रहे हैं हमारे मिनी जू में और इस छोटे से मिनी केज के अंदर। और यहाँ पर देखिए 3 लव बर्ड्स हमारे अभी बाहर हैं और बाकी का जो एक पेयर है वो शायद अंदर है, क्योंकि हमने जो इनके लिए ये नेस्ट बॉक्स लगाए थे ना, हो सकता है कि एक पेयर ने वहाँ पर जो फीमेल लव बर्ड है उसने एग ले कर दिए हैं, तो शायद वो पेयर इसीलिए ज़्यादातर अंदर रहता है। तो वो भी हम जल्दी ही चेक करेंगे और देखेंगे वहाँ पर कितने एग वगैरह हैं और क्या है। और बाकी देखिए गाइस, मैंने ना इनके लिए जो स्टिक लगाई थी यहाँ पर बैठने के लिए, इसको भी इन्होंने कुकर कुकर के देखिए पूरा कैसे ख़राब कर दिया है, बस इसको कुकरने में लगे रहते हैं। और बाकी जो भी मैं इनको कुछ भी खाने के लिए रखूँ, या तो फीड रखूँ उसको बिखेरना, सॉफ्ट फूड रखती हूँ उसको भी जल्दी जल्दी से फिनिश कर देते हैं और या तो बहुत बार नीचे बिखेर देते हैं। देखना बाहर जो गाइस नेस्ट बॉक्स के बाहर जो छोटी छोटी स्टिक लगी हुई थी ना इनके बैठने के लिए, वो देखिए वहाँ से कुतर के पूरी ख़राब करती है, और जो दूसरा वाला नेस्ट बॉक्स है उसकी तो पूरी की पूरी उड़ाती है। तो बाकी पूरा दिन ऐसे ही इनकी मस्ती चलती रहती है और इतना प्यारा साउंड देते हैं ना गाइस, बहुत प्यारी आवाज़ लगती है इनकी मुझे। और बाकी कलर आप लोग और खूबसूरती देख ही सकते हैं हमारे लव बर्ड्स की, बहुत प्यारे से हैं और काफ़ी एक्टिव भी हैं। यहाँ पर देखिए हमारी वाइट जावा स्पैरो बर्ड, कितना खूबसूरत सा जोड़ा है इनका। कुछ दिन पहले गाइस मैंने इनके लिए कुछ नेस्टिंग मटेरियल रखा था यहाँ पे इनके केज के अंदर, और वो इन्होंने यहाँ से पूरा फिनिश कर दिया और अंदर अपना नेस्ट भी बना लिया है छोटा सा। तो हो सकता है ये भी जल्दी ही एग वगैरह ले कर दें, और नेस्टिंग मटेरियल की ना गाइस और अभी नीड भी है केजेस के अंदर भी और बाकी बाहर मिनी जू में भी, क्योंकि बाहर के जो बर्ड्स हैं उनको भी बहुत बार नेस्टिंग मटेरियल चाहिए होता है। वेल गाइस, हमारी जो जावा स्पैरो बर्ड है ना, उनका कुछ कहना ही नहीं है, बहुत प्यारी थी ये। और गाइस, पानी रखती हूँ मैं इनके लिए यहाँ पर पीने के लिए, लेकिन ये क्या करती हैं, इसमें नहा नहा के बैठ जाती हैं।
और गाइस यहाँ पर देखिए हमारे कोका टेल बर्ड्स यानी कि हमारे कोको एंड कैंडी, कैंडी देखिए ऊपर की तरफ बैठी हुई है और कोको भी नीचे बैठा हुआ है। वैसे साथ में भी दोनों बैठ जाते हैं, ज्यादातर मैं इनको ऊपर ही बैठे हुए देखती हूँ, लेकिन बहुत बार नीचे भी चले जाते हैं क्योंकि कभी कभी मैं इनके लिए फीड वगैरह जो होती है और पानी को नीचे की तरफ रख देती हूँ। और बाकी दोनों रहते बड़े प्यार से हैं। गाइस जिसकी जो चीक्स के ये जो इसके चीक्स के बाहर पर आप लोग देख रहे होंगे जो लाइट शेड है वो है हमारी कैंडी, और जिसका डार्क शेड है चीक्स के बाहर वो है हमारा कोको। तो कोको एंड कैंडी बहुत प्यार से रहते हैं इसके अंदर। जब से ये दोनों आए हैं हमारे मिनी जू में एक अलग ही माहौल है, क्योंकि ये भी गाइस बहुत प्यारी विस्टल देते हैं और इतना अच्छा साउंड होता है इनका कि नीचे तक भी मुझे इनकी आवाज़ पहुँच जाती है और मुझे पता चल जाता है हाँ दोनों के दोनों शोर मचाने में लगे हुए हैं। तो अभी कुछ मैंने इनके लिए सुबह इनकी फीड वगैरह ख़त्म हो गई थी तो मैंने इनकी फीड दोबारा से रखी और साथ में कुछ सनफ्लावर सीड्स भी रखी, तो ये बहुत जल्दी फिनिश कर देती हैं। तो गाइस अभी तक मैंने आप लोगों को अपनी बेंगोलियन फिंचेस से मिलाया, साथ ही में अपने सभी बजीज को दिखाया, और इधर हुए हमारे लव बर्ड्स और बाकी हमारी वाइट जावा स्पैरो बर्ड हुई, और साथ में हमारे कोका टेल बर्ड्स यानी कि हमारे कोको एंड कैंडी, सभी से आप लोगों को मिलवा चुकी हूँ। और अब बारी है किसी समवन स्पेशल से मिलवाने की, तो चलिए मैं आप लोगों को सेम मिलवाती हूँ। तो गाइस ये वाला जो आप ब्लैक कलर का मिनी केस देख रहे हैं इसके अंदर हमारा रहता है मेलो। मेलो को मैं आप लोगों से पहले भी मिलवा चुकी हूँ, एक वीडियो शेयर किया था मैंने आप लोगों के साथ, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मेलो की कुछ वीडियोज मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। तो मेलो जो है गाइस बहुत ज्यादा शैतान है, तो जब भी मैं कुछ खिलाने के लिए इसके पास आती हूँ तो ये ऐसे ही मेरे को हिट करता है। अभी देखिए बाहर से भी इसमें कितना ज़्यादा, इसको भी ये लग रहा है कि मैं इसको कैसे भी करके बाहर निकाल लूँ और अपने हाथ में फीड कराऊँ, क्योंकि मेलो स्टार्टिंग से ही मेरे हाथ से ही फीड लेता है, तो इसको अभी बहुत आदत हो गई है मेरी। तो अभी मैं जब इसको इसके अंदर बंद कर देती हूँ ना तो इसको बहुत बुरा लगता है। तो गाइस ये साहबजादे देखिए अभी मेरे हाथ पर आ गए हैं केज से निकल के, और ये देखिए अब मेरे हाथ पर आकर बैठ गया है, और अब इसको लग रहा है कि मैं दाना उठाऊं उसको खिलाना स्टार्ट कर दूं। वैसे दाना यहाँ पर है नहीं गाइस क्योंकि मैं बाहर रखती हूँ, और देखो अभी यहाँ पर आकर बैठ गया है। तो इसको ये रहता है कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ ही रखूँ, वैसे पानी वगैरह तो मैं इसके लिए रख देती हूँ लेकिन जो दाना वगैरह होता है ना वो मैं इसको अपने हाथ में खिलाती हूँ। तो मेलो भी पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है, और चलिए अभी मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, थोड़ी देर में इसको ठीक कराऊँगी, देखो चला गया खुद से अंदर। गाइस नीचे देखिए यहाँ पर रहती है हमारी प्यारी प्यारी सी डायमंड डव्स। गाइस डायमंड डव्स ना बहुत प्यारी सी और मासूम सी होती हैं, ये और ये भी बहुत अच्छा साउंड देती हैं स्पेशली मेल। और डायमंड डव्स को मेरे मिनी जू में आए हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन गाइस एक बार भी किसी भी पेयर में कोई एग, मतलब ये एग वगैरह तो ले करते हैं लेकिन जो इनके एग्स हैं वो हमेशा ही ख़राब हो जाते हैं, कोई भी एग आज तक फर्टाइल नहीं हुआ है, और इनके बच्चे भी मुझे देखने को कभी मिले ही नहीं हैं। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन बाकी कोई नहीं, वैसे मेरे पास डायमंड डव्स हैं इसी बात की मुझे बहुत खुशी है। अभी देख लेते हैं कुछ टाइम और वेट करके, वरना तो फिर हम इन डायमंड डव्स को, ये जो हमारे पास पहले से हैं इनको तो यहीं रखने वाले हैं, और कुछ और पेयर लेकर आऊँगी डायमंड डव्स की, तब देखते हैं आगे क्या होता है। और गाइज यहाँ पर रहती है हमारी प्यारी सी लॉन्ग टेल बर्ड। लॉन्ग टेल बर्ड गाइज बहुत खूबसूरत होती है, मेरे पास ये एक पेयर है और मेल अभी आप लोग देख सकते हैं अभी बाहर बैठा है, देखिए बाहर है, और जो फीमेल है वो अंदर है। ये भी अपनी नेस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मेल जो है उसको मैं अधिकतर बाहर ही देखती हूँ और जो फीमेल है वो अंदर ही बैठी होती है। तो गाइज इनका मैं आप लोगों को भी बता दूँ कि इन्होंने ना हमारे यहाँ पर एग तो बहुत बार दिए हैं हमारे मिनी केजेस के अंदर, लेकिन होता क्या है कि इनके बच्चे भी निकल जाते हैं ऐसे, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उनको खुद से फीड कराना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो बस बार बार इनका यही रहता है, और अभी देखते हैं आगे भी इनकी नेस्टिंग तो स्टार्ट हो गई है और कब तक ये एग वगैरह लेकर देते हैं और कैसे अब आगे अपने बच्चों की केयर करेंगे। और गाइस बाकी की हमारी बर्ड्स देखिए बाहर हैं, जैसे कि हमारी सिल्वर जावा हुई, हमारी ग्रे जावा हुई, पॉन्ड जावा हुई, और बाकी की हमारी कुछ बेंगोलियन फिंचेस। और जब से गाइस हमने अपनी सभी फिंचेस को कॉलोनी से बाहर निकाला है तो देखिए सब एक साथ इकट्ठा होकर बैठ जाती हैं, और इतना ज़्यादा इनका शोर रहता है क्योंकि अब फ्री फ्लाई हुई है तो पूरे में बस पूरा दिन उड़ना मस्ती करना यही चलता रहता है इनका।
तो खैर गाइस ये सब कुछ था आज मेरे पास आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए, और साथ ही मैंने आप लोगों को अपने मिनी जू के सभी परिंदों का शौक कराया, और साथ ही मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए जैसे कि सुरेंद्र सिंह बिट्टू जी की मेरे पास कमेंट आई थी कि मैम मिनी जू के सभी परिंदों का शौक कराइए, काफी दिनों से आपने परिंदों का शौक नहीं कराया है, तो इसलिए आज मैंने स्पेशल व्लॉग अपने परिंदों को लेकर ही बनाया। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही में फैमिली नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, और आगे ना आप लोगों को हमारे मिनी जू में जल्दी ही कुछ नए परिंदे देखने के लिए मिलेंगे जिनको देखकर आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करते रहिए और गैस भी करते रहिए कि अब जो मिनी जू में आगे परिंदे आने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, साथ ही में अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दिया करो। बाय बाय एंड टेक केयर।